हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार में स्वागत है। तो चलिए, रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में हम पढ़ रहे थे क्यूब और क्यूबॉइड चैप्टर, घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। और आप जानते हैं जिसमें से हमने सबसे पहले घन, हाँ घन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है घनाभ की। हाँ, तो घनाभ को पढ़ने से पहले हम आपको क्यूब में ही कुछ स्पेशल क्वेश्चन करवाएंगे। वो स्पेशल क्वेश्चन आपके यूपीएससी में आए हुए, यूपीएससी के सीसेट जीएस पेपर 2 में आए हुए क्वेश्चन आपको करवाएंगे। दो क्वेश्चन करवाएंगे। और ये जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, इसको आप कितने भी स्टार दे दो कम है, क्योंकि क्यूब क्यूब का 10 से 15 साल का रिकॉर्ड है। पीछे का आप उठा के देख लेना कि सबसे टफ क्वेश्चन ये पूछा गया था यूपीएससी सीसेट में, है ना, किसमें, यूपीएससी के सीसेट में। और सबसे टफेस्ट एग्जाम, और पेपर भी आपका टफ होता है, और क्वेश्चन भी बहुत टफ आया था। इतना टफ आया था क्वेश्चन कि समझो लैंग्वेज समझना अपने आप में बड़ी, हाँ समझो लैंग्वेज समझना बड़ी हेक्टिक की बात है अपने आप में, समझते हैं। यूपीएससी सीसेट में पूछा गया, हाँ 2.5 नंबर का क्वेश्चन था, और अगर आपके सीजीएल में आ जाए तो 3 नंबर का मेंस में आएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा। बहुत ही धैर्य पूर्वक आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज, हालांकि आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, 99.9% 100% भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा पहली बार में ये, ठीक है। बहुत ही अच्छे अंदर तक के कंसेप्ट पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फिगर ही सही नहीं बन पाएगा, हालांकि होगा नहीं, फिर भी एक बार पढ़ के देखते हैं और करते हैं ना क्वेश्चन सॉल्व। अ सॉलिड क्यूब इज पेंटेड, हाँ, येलो ब्लू एंड ब्लैक सच दैट अपोजिट फेस आर ऑफ सेम कलर। द क्यूब इज देन कट इंटू 36 क्यूब्स ऑफ टू डिफरेंट साइज। कौन कौन सी साइज है, सच दैट 23 क्यूब्स आर स्मॉलर एंड द अदर, जो भी दूसरा जो इसने क्या किया है, चार जो इसके 4 क्यूब कौन से हैं, 4 क्यूब्स आर बिग, हाँ बड़े चार गन, और 32 क्यूब्स थे कितने छोटे, और इसने क्या कहा 4 क्यूब्स आपके बड़े हैं, हाँ बिगर क्यूब। नाउ नन ऑफ द, हाँ नन ऑफ द फेस ऑफ द बिगर क्यूब इज पेंटेड ब्लू, हाँ ब्लू कलर से, जो आपका बड़ा आपका बिगर क्यूब जो आप निकालेंगे वो आपके ब्लू कलर से रंगे नहीं होने चाहिए, ये कंडीशन है इसमें। इसके बाद हाउ मैनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस पेंटेड। हिंदी लैंग्वेज देखते हैं क्या लिखी है। एक ठोस घन को पीला नीला और काला इस प्रकार रंगा गया है, इसके विपरीत फलक एक ही रंग के हैं, तब इस घन को दो भिन्न मापों में, कौन कौन सी मापे हैं, 36 घनों में इस प्रकार काटा गया है कि 32 घन छोटे हैं और अन्य 4 घन बड़े हैं। ऐसा काटा गया है कि 36 घन है आपके, इस 36 घन को ऐसे काटा गया कि 32 घन आपके छोटे हैं और अन्य बचे हुए 4 घन आपके बड़े घन हैं। बड़े घनों का कोई भी फलक नीला नहीं रंगा है, हाँ कितने घनों में केवल एक फलक रंगा हुआ है। चलिए क्वेश्चन बनाइए, हालांकि बनेगा नहीं फिर भी अब हम आपको करवा ही देते हैं। चलिए, अब तक का इतिहास है 10 से 15 साल में सबसे टफ क्वेश्चन पूछा गया ये, किसमें, यूपीएससी सी सेट में। हाँ यूपीएससी सी सेट में पूछा गया। चलिए इसको करते हैं ना भाई सॉल्व, इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन देखिए, एक ठोस घन, हाँ नीला पीला काला, चलिए पहले तो घन बनाते हैं सॉलिड क्यूब। इसको बनाते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। यहाँ पे इसकी कंडीशन समझते हैं, क्योंकि इसको समझना अपने आप में बहुत ही बड़ा रोल है। देखिए, एक ठोस घन, हाँ को पीला नीला और काला इस प्रकार रंगा गया है कि इसके विपरीत फलक,
अपोजिट सरफेस सेम है, फलक है रंगी हुई है, तब इस घन को दो भिन्न मापों में मापों के 36 घनों में इस प्रकार काटा गया। मतलब टोटल की जो आपको वैल्यू दी गई है, क्या टोटल की जो आपको यहाँ पे वैल्यू दी गई है, टोटल की वैल्यू कितनी दी है 36। और आप जानते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इससे फैमिलियर हैं कि जो आपका टोटल होता है, टोटल जो आपका होता है एन क्यूब के फॉर्म में होता है, एज इंटेड टोटल आपका एन क्यूब के फॉर्म में होता है, ये बात समझ पा रहे हैं। तो आपकी जो टोटल की वैल्यू वो कितनी दी गई है 36। अब 36 किसी का क्यूब होता है? नहीं होता ना। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 1 का क्यूब 1 होता है, हाँ 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो ये 36 तो आपका किसी का भी क्यूब नहीं है, और टोटल जो आपके नंबर दे दिए गए हैं टोटल कट वो आपको कितने देंगे 36। तो आप इसको कैसे रिलेट कर पाएंगे? अब बोला गया है ये जो 36 क्यूब हैं आपके, हाँ ये आपके जो 36 क्यूब हैं, हाँ चलिए, और ये भी बोला कि ये जो आपके 36 क्यूब हैं इसको आप रफ कीजिए। और आप जानते हैं क्या कि टोटल जो आपका होता है, टोटल यहाँ साइड में लिख दीजिए, टोटल वो आपका एन क्यूब के फॉर्म में होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और कंसेप्ट भी पता है आपको, पर यहाँ से उसने कंडीशन आपको ये बना के दी है भाई कि जो आपके टोटल की वैल्यू उसने दे दी गिवन, ये आपका पार्ट क्या है गिवन पार्ट, हाँ ये आपका गिवन पार्ट है, का टोटल की वैल्यू 36 है। अब इन 36 घनों में 32 घन आपके छोटे हैं और 4 घन आपके बड़े हैं। अब देखिए इसमें बोला गया कि देखो सबसे पहले तो इसको एन क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो देखिए हम कुछ दिमाग लगाते हैं अपनी तरफ से और देखते हैं क्या 3 का क्यूब कितना होता है। देखो 3 का आपका क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब स्क्वायर नहीं क्यूब, 3 का क्यूब होता है आपका 27, जो कि ये तो ऑलरेडी 36 से कम है। फिर उसके बाद और आगे गए तो देखिए 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब आपका 64 होता है। तो हाँ अब मतलब ये आपको यहाँ से माइंड में आना चाहिए कि 64 को कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने आंसर कि एक बार देखते हैं ना निकलेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं 64। तो एन क्यूब को हमने ये सोचा कि एन क्यूब की, हाँ जो कि हमने देखा एन क्यूब जो होता है टोटल के फॉर्म में होता है, और टोटल आपको दे दिया गया 36, जो कि 36 आपका किसी का क्यूब नहीं बन रहा है। तो हम और थोड़ा आगे बढ़े तो 4 का क्यूब हमने लिया, ठीक है, और आप जानते हैं 4 का क्यूब आपका क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब आपका हो जाएगा यहाँ से 64, ठीक है ना। तो एन की वैल्यू आपकी 4 है और ये आपका हो जाएगा 64, समझ पाए ना, बहुत बेहतरीन, यहाँ से हो जाएगा आपका ये 64। चलिए अब आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अब आप यहाँ कह सकते हैं कि इन 36 को उसने तुम आपने किस में कन्वर्ट किया 64 में, करेक्ट, किस में कन्वर्ट किया 64 में। अब आप पहले कंडीशन में जाइए, क्या बोला गया था आपसे, पहली कंडीशन में आपसे ये बोला गया था भाई कि ये बोला गया कि ये आपके जो 36 घन है, ये 36 घन को इस प्रकार काटो, इस 36 घन को आप इस प्रकार के काटो कि 32 घन जो है आपके वो आपके स्मॉलर होने चाहिए, क्या स्मॉलर, और बचे हुए आपके जो 4 घन है, बचे हुए जो आपके 4 घन है ये आपके बिगर क्यूब होने चाहिए, हाँ बड़े घन। तो देखिए भाई यहां से ये है कि ये जो 32 और 36 है ये हैं कितने, 32 और 4 ऐड करें कितने हो जाएंगे 36, और इसी 36 को आप 64 में कन्वर्ट कर रहे हैं, करेक्ट, क्या 64 के बेस में ला रहे हैं। 64 क्यों किया, क्योंकि हमने, आप जानते हैं टोटल जो होता है वो क्यूबिक फॉर्म में होता है, हाँ तो 3 का क्यूब आपको 27 होता है जो कि ऑलरेडी 36 से कम है, तो हमने देखा उससे और आगे एक 4 का क्यूब होता है आपका 64, तो हमने देखा 64 करेक्ट, क्योंकि जो टोटल होता है एन क्यूब के फॉर्म में होता है, तो हमने लिया 64, बात समझ में आई। अब आपके ये 64 जो, हालांकि ये 64 है ना, ये 36 के ही बेस में आपके कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये जो 36 आपको गिवन था, इस 36 के कितने पार्ट बनाने हैं, 32 ऐसे पार्ट बनाओ जो कि आपके छोटे घन हो, और बचे हुए जो आपके 4 घन बने वो आपके बड़े घन होने चाहिए, ये बिगर क्यूब। अब इस सिनेरियो को बनाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ समझते हैं इसको, चलिए
बनाते हैं ना अपना क्यूब ब्लैक कलर से बनाते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझना है, बहुत ही प्यारा और अपने आप में दमदार क्वेश्चन है। हाँ बहुत ही बेहतरीन। इसके बाद अब देखिए आपसे बोला क्या गया भाई, बोला गया है ये कि आपका जो बिगर क्यूब है, ये बिगर जो क्यूब है आपका, हाँ इसमें आपने क्या किया, एन की वैल्यू आपके यहाँ से कितनी निकली, तो भाई एन की वैल्यू जो आपके यहाँ से निकली थी कितनी, 4, क्योंकि ये एन क्यूब के फॉर्म में था। करेक्ट, 4, एन की वैल्यू 4, और कट लगाना है फिर आपको इसमें, इसमें लगाना, तो एन की वैल्यू जब आपकी कितनी निकली, एन की वैल्यू आपने भाई निकाली 4, और 4 कट लगाने के लिए नंबर ऑफ पार्ट से एक कम, नंबर ऑफ पार्ट से एक कम, चलिए तो लगाते हैं भाई इसमें कट। चलिए तो 4 कट लगाने के लिए, 4 पार्ट करने के लिए कटे लगाने पड़ेंगे नंबर ऑफ पार्ट से एक कम, तो 3 कट लगाने पड़ेंगे ना, 1, 2 एंड ये 3। समझ पाए बात को, बहुत ही बेहतरीन। इसके बाद देखो इसको और ऐसे कट लगाते हैं ना, 1, 2 और 3। इसके बाद एक साइड से हो गया, इसके बाद इधर से आ जाइए, 1, 2 एंड 3। समझ पा रहे हैं ना, बहुत ही बेहतरीन। चलिए और इधर से भी लगाइए, 1, 2 एंड ये 3। करेक्ट, अभी ये तो आपका काम हो गया कट लगाने वाला, हाँ कट वाला। चलिए अब देखिए इसमें, इसमें कुछ पेंटेड करने की बात हुई ना, कुछ कलर किया गया है, वो कलर कौन कौन से हैं पढ़ते हैं ना। चलो कहा गया है कि ये जो आपका है घन, इसमें एक ठोस घन पीला नीला और काला, ठीक है, इस प्रकार रंगा गया है कि इसकी अपोजिट सरफेस जो है ऐसे, कि अगर आपने जो आपका आगे वाला फेस है, अगर आपने इसको ग्रीन कलर से किया तो ये बोला गया लैंग्वेज में कि इसके जो अपोजिट सरफेस होगी, हाँ सटीक इसके पीछे हुए वाले, हाँ इसके पीछे वाली, वो भी आपकी ग्रीन ही पेंट हो जाएगी, ये मैजिक हो या कुछ भी हो। करेक्ट, आज से बोला गया है तो आपको मानना पड़ेगा। चलिए एक ठोस घन पीला नीला और काला इस प्रकार रंगा गया, ठीक है, चलो करते हैं पेंट। पेंट करने की बारी आई भाई, चलो इसे पेंट करते हैं, इसे बोला गया आपको पेंट करना, तो ठीक है हम करते हैं ना। चलो मैंने कहा कि आगे वाला जो आपका पार्ट है ये, हाँ इसको करते हैं ब्लू कलर से, किससे, ब्लू कलर से, ब्लू नीला करते हैं ना। चलो हाँ जल्दी से कर देते हैं, चलो, और ऐसा कहा गया कि ये अपोजिट सरफेस भी इसकी ब्लू होगी, हाँ तो अपोजिट सरफेस कौन सी होगी भाई, अपोजिट के मतलब क्या, इसके पीछे वाली, वो भी कौन से कलर से है, ब्लू कलर से, हाँ तो ये इसकी जो पीछे वाली सतह है ये वाली, हाँ ये वाली, ये वाली पीछे वाली, ये भी कौन से कलर से है, ब्लू कलर से। बात समझ पाए, बहुत ही बेहतरीन। और क्या कहा गया है, और ये ब्लू कलर हो गया, पीला नीला और काला, हाँ चलिए अब देखिए और कौन से कलर, आपने तो केवल अभी एक ही कलर किया, चलिए और कलर अभी करना आपको, ब्लैक भी बचा है हाँ और येलो भी बचा है, तो ब्लैक कौन सा होगा, हाँ ब्लैक कौन सा होगा, चलो येलो भी कर लेते हैं भाई, येलो, येलो किसको ले, हाँ इस वाले को, ऊपर वाले को ले लेते हैं येलो। समझ पा रहे हैं ना, बहुत ही बेहतरीन भाई, जब ऊपर वाला आपका येलो है तो इसके नीचे वाला पार्ट भी कौन सा होगा, ये भी क्या है, येलो। बात समझ पाए ना, बहुत ही बेहतरीन। अब कौन सा कलर बचा, अब भाई आपका कलर बचा ब्लैक, हाँ कौन सा, ब्लैक, तो देखिए ब्लैक कौन सा है, एक तो आपका ये रह गया,
इसको भी आपको करना है ब्लैक। तो इसकी अपोजिट सरफेस कौन सी होगी भाई, इसकी अपोजिट सरफेस कौन सी होगी, ये वाली ना, चलिए उसको कौन से कलर से किया गया है, ब्लैक कलर से। अपोजिट सरफेस आपकी ये है, इसको कौन से कलर से किया गया है, ब्लैक। बात समझ पाए ना, बहुत ही बेहतरीन। ये बात अभी हो गई आपकी कलर करने वाली, ठीक है ना, कलर की। अब अच्छे से समझ ले, बाकी फिगर तो आपको फिर से बनाएंगे जहां पे आपका क्वेश्चन है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे कहा क्या गया है, अब आपको यहाँ पे ये कहा गया है कि हाँ ये तो आपके 64 है, हाँ 64, 64 को आपने कन्वर्ट किया, हाँ 36 को कन्वर्ट किया, क्या 36 को कन्वर्ट किया 64 में। तो आपको जो 36 घन है, ये 36 घन आपको इस पार्ट में बनाने हैं कि 32 घन आपके स्मॉलर होने चाहिए और बचे हुए 4 बिगर क्यूब आपके बड़े होंगे। ये आपके 36 में से 32 आपके स्मॉलर क्यूब हो और बिगर क्यूब जो आपके 4 बचे हैं वो आपके 4 होने चाहिए। करेक्ट, बात समझ में आई, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हाँ यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं बताइए, लैंग्वेज पढ़िए ना, तभी तो आपको आगे कंक्लूजन मिलेगा। अब आपको ये करना है कि बड़े घनों का कोई भी फलक, सबसे मेन पॉइंट ध्यान देने की आपकी कौन सी लाइन है, बड़े हाँ ये वाला ना, बड़े घनों का कोई भी फलक नीला नहीं रंगा होना चाहिए। हाँ चलिए, नन ऑफ द फेस ऑफ द बिगर क्यूब इज पेंटेड ब्लू। अब आपको बताना है हाउ मैनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस पेंटेड, कितने घनों में केवल एक फलक रंगा हुआ है। चलिए तब देखिए, अब आप देखिए यहाँ पे भाई ये कि इसी क्यूब को बनाते हैं उसी नेक्स्ट स्लाइड पे, यहाँ पे ठीक है, या और नेक्स्ट स्लाइड में, क्योंकि अब आपको समझना, ये तो कलरिंग की बात हो गई, अब आपको कंसेप्ट अब आपको समझाना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब आपको समझा देंगे हम। चलिए, क्योंकि हमें पता है जितना आपको बताना था वो आपको बता लिया है, अब बारी आती है कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझने की और क्लियरिटी होगी। पहले इसमें क्या कहा था, कलर कौन कौन सा था, कटिंग की बात कर लेते हैं, कटिंग कितने किए थे, 4 नंबर पार्ट से एक कम, तो 3 बार कट करना पड़ेगा, 1 2 और ये 3 एजेंटेड, 1 2 और ये 3 और ये 10 आई, 1 2 3, ये तो आपके कटिंग का कंसेप्ट हो गया। अब इसके बाद इसमें कलरिंग की बात की थी, हाँ तो कलर कौन कौन से थे आपके, आपका ये वाला कौन सा था, ब्लैक, हाँ ये वाला पार्ट आपका क्या था, ब्लैक, लिख लेते हैं, चलो ये वाला पार्ट था आपका ब्लैक, बात समझ पाए। इसके बाद इसके अपोजिट सरफेस कौन सी होगी, ये वाली, ये भी कौन सी आपकी, ब्लैक। और इसको किससे पेंट किया था, इसको आपने किया था ब्लू कलर से, हाँ ये वाली सतह जो आपकी क्या है, ब्लू कलर से, ठीक है। और इसकी अपोजिट सरफेस कौन सी है, ये भी क्या है आपकी, ब्लू कलर से, और येलो बची ना, तो येलो किसको आपने पेंट किया था, येलो आपने एक इसको पेंट किया था और इसकी विपरीत सतह आपकी नीचे वाली, इसको भी किया था आपने येलो कलर से पेंट। इतनी बात समझ में आई, बहुत ही बेहतरीन। इसके बाद अब बारी आती है कि इन 36 घनों में, हाँ 36 घनों में से 32 घन आपको छोटे निकालने हैं और बचे हुए 4 बिगर क्यूब आपको बड़े निकालने हैं, ठीक है। अब आती है इसके निकालने की बात, तो देखिए इस वाली सरफेस पे आइए, के वाली, इस वाली सरफेस में जिसमें हम आपको रेड लाइन से अभी बता रहे हैं, इस वाली सरफेस में, करेक्ट, इस वाली सरफेस में, हाँ इस वाली सरफेस पे आ जाइए, ठीक है, जिसमें अभी हम सेट कर रहे हैं। तो देखिए आज कितने क्यूब निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 9 10 11 12 13 14, हाँ 15 एंड 16, मतलब 16 घन आपके ये आगे हैं और 16 ही घन आपके, एज्यूम कीजिए ये पीछे भी होंगे ना, ये वाला, क्योंकि
क्यों पीछे वाला पार्ट ले रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, पीछे वाला ही पार्ट क्यों ले रहे हैं यह बात आपको समझ में आने ही वाला है अभी। ये इतने बात समझ में आई भाई, इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए कि हमने आगे वाली सरफेस पे देखा तो ये आगे वाली देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 गन आगे और 16 गन पीछे से निकाल दिए, जो कि आपके 16 आगे 16 पीछे, काउंट कितने करो 16 16 32, तो ये आपके 32 गन ऐसे निकल गए भाई, ये 32 गन 16 प्लस 16 32 गन आपके ऐसे निकल गए जो आपकी आपके स्मॉलर क्यूब है। अब बचे हुए बिगर क्यूब 4 कहां से आप निकालोगे, तो वो कुछ इस प्रकार के आप निकलेंगे, देखो बहुत ही ढंग से समझना, तो वो आपके कुछ इस प्रकार से निकलेंगे भाई, हाँ ये ऐसे, वो आपके कुछ इस प्रकार से निकलेंगे। चलिए अब सेट करते हैं कौन से हैं वो आपके ना भाई इस प्रकार से होंगे, देखो ऐसे, वो आपके इस प्रकार से, देखो एज्यूम करो ना ये वाला पार्ट, अब बीच वाला पार्ट ये वाला, करेक्ट, इस वाले पार्ट में आ जाओ बीच वाले में, देखो एक घन तो आपका ये हो गया करेक्ट, और दूसरा आपका ये, तीसरा ये, और चौथा घन एक आपका पीछे है, एज्यूम कर पा रहे हैं ना, अब कट आप कैसे लगाएंगे, देखो एक घन आपका ये, लेजर लाइट से आपको दिखाते हैं, चलो एक घन आपका ये, देखो आप जिसको बिलिंग करेगा वो आपका एक घन तो आपका ये निकला करेक्ट, एक ये निकला, दूसरा कलर लें ग्रीन ले लेते हैं, देखो एक घन आपका ये निकला करेक्ट, और एक आपका ये वाला हो गया दो, और एक आपका ये तीन, और एक आपका छिपा हुआ, ये आपके ऐसे चार घन है जो कि बड़े घन है बिगर क्यूब, तो बिगर क्यूब की बात हो गई, कितने हैं आपके 4, बात समझ में आई। अब समझाते हैं कि ये आपके बिगर क्यूब, हाँ बिगर क्यूब बड़े घन, अब समझाते हैं कि ये कि हमने आगे वाला और पीछे वाला पार्ट ही क्यों लिया, क्योंकि आपने एक लाइन ढंग से पढ़ी नहीं, हम आपको पॉइंट कर रहे थे पर आपने शायद संग से ना समझाओ, क्या बड़े घन का कोई भी फलक जो है, जो आपका बड़ा घन है बिगर क्यूब, इसका कोई भी फलक नीला नहीं रंगा होना चाहिए, हाँ नीले कलर का नहीं रंगा होना चाहिए। तो देखिए अगर आप देखिए इसमें नीला कौन सा है, आगे और पीछे, हाँ तो अगर आगे वाले से आप बड़े घन निकालते तो नीला आ जाता, जो कि कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होती, पीछे से निकालते बड़े घन अगर तो आपके हो जाते नीला, तो नीला को आपको नहीं लेना है, नीला आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हमने आगे से 32 निकाल सॉरी आगे से 16 निकाले और पीछे 16 निकाले, जो कि आपके 16 16 32, ये आपके ऐसे घन है जो कि स्मॉलर क्यूब है। इसके बाद चार बिगर क्यूब हमने ऐसे अंदर वाले पार्ट से निकाले जिसमें ब्लू कलर नहीं है, ब्लू कलर नहीं है, सेटिस्फाई हो रही कंडीशन, बहुत बढ़िया, 1 2 3 और 4 बिगर क्यूब हो गए ना, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा यह गया है कि कितने घनों में, हाँ कितने घनों में केवल एक फलक रंगा हुआ है, हाउ मैनी क्यूब्स हैव वन ओनली शब्द का यूज हुआ, ओनली वन, केवल एक सतह रंगी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो ऐसे कौन कितने क्यूब हैं आप देखिए, तो देखिए भाई इसमें आप वो वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हैं, अगर आप सोच रहे हैं फॉर्मूला यूज करने का तो आपको बता दें आप गलत दिशा में जा रहे हैं, अगर वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला अगर यूज कर रहे हैं हाँ तो आपका क्या होता था 6 × n − 2² क्योंकि आप इसको यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि भाई अब आपने बड़े कटे हुए घन को भी आपने एक बड़ा बाउंडेशन करके फेविक्विक लगाया या कुछ भी लगाया हो भाई, उससे आपने बड़े घन को चिपका दिया, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगाना तो भाई रॉन्ग हो जाएगा ना, 100% रॉन्ग होगा ना, तो इसीलिए फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपको बताना है कि इस अब जो आपका घन है इसमें से वन सरफेस पेंटेड कौन से हो सकते हैं, तो आप देखिए अगर बड़े वाले घन में जाएंगे तो इसमें केवल आपको क्या मिलेगा, टू सरफेस पेंटेड, हाँ ये ऐसे घन है जिसमें केवल टू सरफेस पेंटेड एक और है, पर और देखिए यहाँ पे और यहाँ पे आप आएंगे तो देखो इसमें आप ये कॉर्नर क्यूब बने 3 सरफेस पेंटेड, ये भी आपके 2 सरफेस पेंटेड, ये भी 2 सरफेस, ये आपका कॉर्नर 3 सरफेस पेंटेड, ये 2 सरफेस, ये 2 सरफेस, ये आपका 3,
ये टू और ये आपका थ्री। हाँ ये आपका पूरा ऐसे थ्री, ये वाला, ये भी आपके टू, ये भी आपके टू। तो बीच में बचे कितने, बीच में आपके कितने बचे वन सरफेस पेंटेड वाले, तो भाई बचे कितने वन 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 सरफेस वाला, ये और ये कितने चार आगे, तो चार आ जाए सिमिलरली, चार ही पीछे होंगे तो टोटल कितने हो गए एट। एज्यूम कराते हैं ना, देखो ये अगो यहाँ से देखो, ये तो आपके, हाँ देखो ये तो आपका हो गया बीच वाला पार्ट, ठीक है, जिससे आपको मतलब ही नहीं है। हाँ क्यों, क्योंकि ये तो आपके बिगर क्यूब हो गए, ये तो भाई आपके बिगर क्यूब हो गए ना, ये वाले, ये तो आपके बिगर क्यूब हो गए, करेक्ट। तो अब बात किस में आती है, आगे या पीछे वाले से ही तो निकलेंगे, तो देखिए वो कौन कौन से गन है। तो देखिए इसमें अगर आएंगे तो ये भी आपका थ्री सरफेस पेंटेड है, हाँ ये भी आपका थ्री सरफेस पेंटेड है, ये भी आपका थ्री सरफेस पेंटेड है, ये भी आपका थ्री सरफेस पेंटेड है, ठीक है। बीच वाले तो एज्यूम कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें सब में आपके टू टू सरफेस पेंटेड है, कितने टू टू सरफेस, हाँ बड़े वाले में। अब इसमें देखो इस वाले में आए गए यार आप, इस वाले में तो देखो थ्री वाले हो गए, इसमें भी टू, इसमें भी टू, ये भी टू सरफेस पेंटेड, ये भी टू, ये भी टू, ये भी टू, और ये भी आपका टू और ये भी टू। तो आगे बचे कितने वन सरफेस पेंटेड वाले, तो देखिए भाई आगे आपके वन सरफेस पेंटेड वाले बचे कितने हैं, एक तो ये, एक ये और एक ये, एक ये, कितने हैं वन टू थ्री फोर। तो चार आगे और चार ही आपके पीछे, तो टोटल वन सरफेस पेंटेड के फार्मूला तो यूज नहीं करेंगे, टोटल वन सरफेस कितने हो जाएंगे, चार आगे चार ही पीछे, तो कितने हो जाएंगे चार चार आठ, जो कि आंसर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। ये था भाई इसका करने का तरीका, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब, ठीक है। अपने आप में अब तक का 10 से 15 साल में आया हुआ सबसे टफ क्वेश्चन था ये, और यूपीएससी सीसेट पूछा गया था, हाँ सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जीएस पेपर सेकंड में, तो अब तक का आया गया सबसे टफ क्वेश्चन था, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को 5 से 6 बार रिपीट करना पड़ेगा, तब जाके कंसेप्ट समझ में आएगा, बाकी मैंने इतने इजीली बताया है कि हो जाना चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। पेंटेड भी करके बताया, उसके बाद फिर से बनाया ग्राफ, फिर से आपको बताया कि बीच वाले क्यों लेंगे, क्योंकि जो आपके बिगर क्यूब हैं उसमें से कोई भी सरफेस आपका ब्लू नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने आगे का पार्ट निकाला और पीछे का पार्ट निकाला। इसके बाद 16 आगे 16 पीछे हो गए टोटल 32। ये ऐसे घन है जो कि आपके स्मॉलर क्यूब हैं। अब चार घन ऐसे निकाले जो कि बड़े होने चाहिए, तो आपको कैसे किस फॉर्म में निकाला, ऐसे करके निकाला, एक घन दो घन तीन घन और ये नीचे एक छुपा है उसका चार घन। बात समझ में आई, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आपको कराना चाह रहे हैं, यूपीएससी सीसेट में ही पूछा गया, वो 2023 में पूछा गया था, हाँ 23 में पूछा गया। चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। फिलहाल इस क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 से 3 बार 5 से 6 बार रिपीट करना पड़ेगा। चलो अब ये आपका पूछा गया यूपीएससी सीसेट में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा रहे हैं आपको, चलिए आपका देखिए 125 घन एक, 125 125 सर्वसम घन, 125 सर्वसम घन एक घनाकार, एक घनाकार खंड के रूप में व्यवस्थित किए गए हैं। कितने घन हर पार्श्व से अन्न
घनों द्वारा, घनों द्वारा घिरे है। करेक्ट, घिरे हैं। 125, 125 आइडेंटिकल। आइडेंटिकल क्यूब्स आर, क्यूब्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक, अ क्यूबिकल, अ क्यूबिकल ब्लॉक ग्रुप। हाँ, हाउ मैनी, हाउ मैनी क्यूब्स, हाउ मैनी क्यूब्स आर सराउंडेड, हाउ मैनी क्यूब्स आर सराउंडेड, हाउ मैनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाई अदर, अदर क्यूब्स, अदर क्यूब्स फ्रॉम, फ्रॉम ईच साइड, फ्रॉम ईच साइड। ठीक है, चलो इसको करिए आप सेलेक्ट करके छोटा। चलो क्या था, ऊपर नहीं जाने को। चलो करते हैं भाई इसको सॉल्व। बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब क्वेश्चन है। और पूछा किस में गया है क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी, यूपीएससी, यूपीएससी सी सेट में पूछा गया है। और कब पूछा गया था भाई ये, पूछा गया था देखो जीएस पेपर का है। हाँ, जीएस पेपर टू पूछा गया था आपका ये 2023 में, 2023 में। और जीएस पेपर, जीएस पेपर सेकंड। बात समझ पाए, बहुत ही बेहतरीन। ढाई नंबर का क्वेश्चन था आपका, ढाई नंबर का क्वेश्चन था। और अगर सीजीएल में आ जाए तो ये आपका 3 नंबर का बन जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शंस आपके दिए गए थे, ऑप्शंस आपके दिए गए थे। ए आपको दिया गया था 27, ठीक है। बी नंबर आपका है 25, सी नंबर है आपका 21, और डी नंबर है आपका 18। भाई करिए इसको सॉल्व, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब बिंदास क्वेश्चन है ये। ठीक है, करिए इसको सॉल्व। देखिए 125 सर्वसम घन एक घनाकार खंड के रूप में व्यवस्थित हैं, किए गए हैं। कितने घन हर पार्श्व से अन्य घनों द्वारा घिरे हैं। 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक। हाउ मैनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड, हर साइड से, हर तरफ से घिरे हों। तो बताइए 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 सॉल्व करिए। देखिए टोटल की वैल्यू आपको क्या दी गई है यहाँ से, देखो टोटल की जो आपको वैल्यू दी गई है यहाँ से कितनी दी गई है, 125 है ना। टोटल की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 125। देखिए टोटल जो आपको दिया गया है यहाँ से, टोटल इज इक्वल टू 125। और आप जानते हैं टोटल जो आपका होता है, टोटल आपका एन क्यूब के फॉर्म में होता है, तो एन क्यूब की वैल्यू आपकी दी गई है 125। तो यहाँ से, यहाँ से आपकी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एन की वैल्यू भाई मेरे आ जाएगी 25। करेक्ट, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 25। इसके बाद देखो 125 सर्वसम घन एक घनाकार खंड के रूप में व्यवस्थित है, ठीक है, किए गए हैं। कितने घन
हर पांच से अन्य घनों द्वारा घिरे हैं। तो देखिए जो आपके, देखो कॉर्नर क्यूब क्या होते हैं, किनारे वाले। मिडल क्यूब क्या होते हैं, कॉर्नर क्यूब से सटे हुए, ऐसे देखा होगा। सेंटर क्यूब आपको देखते हैं, पर कुछ घन ऐसे होते हैं भाई, याद कीजिए, कलरलेस। इनर सेंट्रल क्यूब, इनर सेंट्रल क्यूब, अंतः केंद्रीय घन की बात आपसे की जा रही है, पकड़ ली ना पॉइंट, ठीक है। हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड, मतलब क्या, इनर सेंट्रल की बात की गई है, समझ पे ना, मतलब कौन सा इनर सेंट्रल। हाँ, कलरलेस की वैल्यू, तो कलरलेस की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। हाँ, जीरो लिखने का मीन क्या हुआ, जो बच्चा अगर शुरू से क्लास से देख रहा है तो जीरो का मतलब समझ जाएगा, जीरो का मतलब समझ जाएगा क्या होता था, कलरलेस की इनर सेंट्रल वैल्यू, रंगहीन घन, ठीक है। कोई भी सरफेस, ये सरफेस की बात की जाती है, सरफेस नहीं, फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस टू का क्यूब, बात समझ में आई। तो n की वैल्यू यहां से रखिए भाई मेरे, बहुत ही प्यारे तरीके से n की वैल्यू कितनी निकली है, 5, और 5 माइनस 2 का होल क्यूब, करेक्ट। तो देखो 5 में से 2 गया, डायरेक्ट कर दें तो बच्चा यहां से आपका 3। हाँ, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है भाई मेरे 27, जो कि आपका 100% राइट है, और आपको मिलते हैं यूपीएससी की तरफ से 2.5 नंबर। हाँ, 2.5 नंबर आपने 2.5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, समझो। हाँ, मतलब कि ये क्वेश्चन अगर आपका दे दिया जाए मेंस में ना, तो अपने आप पे इतना टफ क्वेश्चन है कि बनने के ऑथेंट से आप समझ ही नहीं पाएंगे इसको। क्या पूछा गया था, पूछा गया था 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक, हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड, हर एक साइड से घिरे हो, ऐसे कितने क्यूब होंगे इसमें, तो ऐसे होंगे 27 क्यूब। बात समझ में आ रही, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। ये आपके थे यूपीएससी के सी सेट में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आज ये मत समझिए कि आपका लेवल, लेवल आपको पता ही नहीं चल रहा आपको किस लेवल पढ़ाया जा रहा है, समझ लो भाई, इतने हाँ अच्छे आप संस्थान से जुड़े हैं कि बहुत ही कुछ आपको मिलने वाला है, और आगे आने वाले समय में नेक्स्ट लेवल भी आपको मिलने का। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कंसेप्ट क्लियर करते हुए हमने क्वेश्चन को किया। ये क्वेश्चन क्यूब का अब तक का आया हुआ 10 से 15 साल के पीछे का रिकॉर्ड देख लेना, सबसे टफ क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद इतना टफ आया नहीं है। फिर उसके बाद हमने इसको कंसेप्ट समझा, कलरिंग भी की, और एक बार बनाया, कंसेप्ट भी समझा, कटिंग भी की, और बिगर क्यूब भी देखा, स्मॉलर क्यूब भी देखा। कंडीशन भी थी क्या कि जो आपके छोटे घन है, छोटे घन उनमें कोई भी कलर हो कोई मतलब नहीं, डजन मैटर, पर आपका जो बीच वाले आपके जो घन निकले, आपका मतलब बीच से निकालो या किनारे से निकालो, ठीक है, पर उसमें कंडीशन क्या थी, जो आपके बिगर क्यूब है उसमें कोई भी सरफेस, कोई भी घन आपका ऐसा ना हो कि ब्लू कलर से नीले कलर से रंगा हो, ठीक है। तो क्या, बीच से निकाला, इसीलिए हमने आगे के छोटे पार्ट निकाल दिए, पीछे के छोटे पार्ट निकाल दिए, 16 16 32 हो गए। ये आपके क्या आते हैं, स्मॉलर क्यूब। बिगर क्यूब आपने 4 निकाले, जो कि इस फॉर्म में निकाले। इसके बाद यूपीएससी का हाल ही में पूछा गया, नेक्स्ट ईयर में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, क्या था, यूपीएससी से 2023 में GS पेपर 2 में। हाँ, GS पेपर 2 में मेरे भाई, करेक्ट। आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि 100% राइट है, क्वेश्चन सोचने में मजबूर कर देगा, वहां भी आपका पेन हम चलाने की अनुमति देंगे, इस लेवल को आपको पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। देखिए, आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 2.5 2.5 यूपीएससी के, उससे जाओगे तो 2.5 नंबर का वो क्वेश्चन, 2.5 नंबर के पूरे मिलते हैं, 6 नंबर नहीं, 6 नंबर किसमें मिलेंगे आपको, सीजीएल में, हाँ, और यूपीएससी मिलेंगे आपको 5 नंबर, क्योंकि 2.5 2.5 नंबर के होता है, करेक्ट। इसके बाद सीजीएल के अकॉर्डिंग जाएंगे अगर, तो आपको मिलेंगे 6 नंबर। तो आपने देखिए कितना कुछ आपने प्राप्त किया, और कितने अच्छे कंसेप्ट के साथ आपने क्वेश्चन समझाना। तो इन दोनों क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को आप 5 से 6 बार रिवाइज करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, और इसके बाद इस क्वेश्चन को भी 2 से 3 बार देख लेना। पूछा क्या गया था, सराउंडेड फ्रॉम ईच साइड, हर एक साइड से सराउंडेड हो, तो ऐसे कौन से घन होते हैं, आपके इनर सेंट्रल कलरलेस, हाँ, इनर सेंट्रल क्यूब, कलर रंगहीन घन, तो उसी का जिक्र किया था। क्लू वर्ड आपने देखा, बहुत इजिली आपको क्वेश्चन हो गया। चलिए, इसी रफ्तार में आपका नेक्स्ट क्लास में आपको स्टार्ट होगा क्यूबॉइड, क्यूब से दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, ऑल ओवर इंडिया में किसी भी एग्जाम में आता हो, ठीक है, आपका बन जाएगा क्यूब से। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्यूबॉइड से, करेक्ट।
चलिए, इतने प्रिपेयर आप हो गए हैं कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे क्यूब से, तो सबसे तो टफ आपका पूछा गया तो ये वाला था भाई। हाँ ये वाला, जब आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया तो इससे छोटे तो फिर बच्चे ही सब, हाँ इसके फ्रेंड, ठीक है, तो उनको भी आप हैंडल कर सकते हैं। समझ पाए ना बात। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, प्रीवियस ईयर क्लासेस आपको सारी मिल जाएंगी। और ये जो आपको पीपीटी है, हाँ ये आपको जो क्लास में सब कराते हैं ना, ये आपको अपने इस टेलीग्राम ग्रुप में जब जाएंगे तो मिल जाएगा। ये आपको टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, जब आप यूट्यूब पे जाएंगे, ठीक है, जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे यूट्यूब के अपने चैनल पे, जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तब आपको लिंक मिल जाएगा अपना टेलीग्राम का, और टेलीग्राम को आप ज्वाइन करिए। उसके बाद जितने भी आपको अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, और जो आपको आप पीएनजी फॉर्म में, आपको सारा कुछ पीडीएफ फॉर्म में उसमें प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, जो क्लास नोट्स आपका हो जाएगा वो भी हो जाएगा, और पीपीटी भी आपकी हो जाएगी, पीएनजी फॉर्म भी आपको मिल जाएगा, और भी पीडीएफ के फॉर्म में अच्छे अच्छे लेवल के आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें, ये आपको जितना कुछ पढ़ा रहे हैं सारा कुछ आपको उसमें मिल जाएगा फ्री में, है ना। तो नोट्स बनाने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, आप क्लास से पढ़िए उसके बाद टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ से आप फिर से रिकॉल करिए और मेन मेन टू द पॉइंट आप नोट्स बनाइए, करेक्ट। क्योंकि आपका देखिए पेपर के समय जब आप पेपर देंगे तब उस समय तो आपको पढ़ने को बहुत कुछ हो जाता है ना, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है। शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाइए कि आप एक चैप्टर को एक पेज में, रीजनिंग की हम अगर बात करें तो आपके पूरे 46 चैप्टर पढ़ने को हैं, हर एक चैप्टर आपका एक दिन का है समझो, और भी अच्छे लेवल में अगर पढ़ गए तो हर एक चैप्टर आप एक घंटे में केवल एक चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। और मेरे हिसाब से पता है रीजनिंग पूरे 46 चैप्टर कितने दिन में आपको कंसेप्ट सही करा दें, जब आपको पूरी एक बार पढ़ा देंगे ना तो पूरी पूरी 3 दिनों में आपकी पूरी 46 चैप्टर पूरे कंप्लीट करा देंगे, पर उससे पहले हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, बहुत अंदर तक के कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, बहुत ही अंदर तक के, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या है, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस, बैकअप प्रैक्टिस, क्लास देखिए बैकअप प्रैक्टिस, उसके बाद ज़्यादा बुकों के पीछे भागना नहीं है। जब आपका किसी भी टीचर से आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जितना कुछ आपने बना है पढ़ा है उसका फिर से रिवाइज कीजिए और शॉर्ट नोट्स फिर से बनाइए। इसके बाद ज़्यादा बुकों के पीछे नहीं भागना है, आप 10 से 12 साल पीछे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। इसके बाद केवल और केवल आपको मॉक टेस्ट देना है, ज़्यादा किताबों से मोह नहीं लेना है, ठीक है। पढ़ने को भाई बहुत कुछ है, अगर आपको जल्दी नौकरी पानी है ना स्मार्ट अप्रोच के साथ, और जल्दी से जल्दी नौकरी पानी है, तो आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट कीजिए, शॉर्ट नोट साथ में बनाते जाइए, इसके साथ साथ जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाइए तो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दीजिए, किसी बुक को ज़्यादा हायर मत करना कि ये बुक ले ले वो बुक ले, मार्केट में आप तो बहुत सारी बुक हो गई हैं, तो कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, उसका आपका क्लैरिटी मैनेज होगी, एक्यूरेसी आएगी, इसी के साथ साथ जब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से बनने लगे, करेक्ट, उसके बाद मॉक टेस्ट देने लगो भाई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम आपको दीजिए, कोई ना कोई अच्छा एग्जाम आपका क्वालिफाई हो ही जाएगा, अगर आपने अच्छे शिद्दत से पढ़ा है। बाकी इसी रफ्तार से चलता रहेगा अपना एडवांस मैथ रीजनिंग, हाँ वो तो हम कवर कराएंगे, और बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाला है क्या, हर एक क्लास के इंडिविजुअल ऑनलाइन क्लासेस मिलने वाली हैं, करेक्ट, अपने यूट्यूब के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपका कर्तव्य भाई ये बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, शेयर लिस्ट में वीडियो को आप ऐड करते जाइए जहाँ तक आप पहुँचा पाए, और बैकअप प्रैक्टिस रिवीजन उनसे भी करवाइए वीडियो को, कमेंट में कुछ भी आपको डाउट होता है ऑन द स्पॉट आप भेजिए, आपको पूरा तुरंत मिलेगा सॉल्यूशन, ठीक है, टेलीग्राम पे। हाँ आपके किसी वीडियो में कहीं कोई दिक्कत है तो वहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर सहित और कौन सा डाउट है वो भी सही विधिवत तरीके से आप लिखिए, आपको पूरा भाई सॉल्यूशन मिलेगा, करेक्ट। बाकी टेलीग्राम आपको पता है कहाँ मिल जाएगा, अपने इस चैनल पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, एजेंटेड। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्यूबॉइड स्टार्ट करेंगे, और क्यूब से कोई भी क्वेश्चन आप लगाना लग जाएगा, इससे ऊपर एक भी आपका लेवल नहीं बढ़ेगा। और आपको पता है किस लेवल का पढ़ा रहे हैं भाई, कोई बच्चे आपको केवल हम CGL SSC में CGL, देखो फिर से बता दें, थोड़ा आपको पोस्ट की जानकारी दे दें, थोड़ा सा बता दें, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी दिन पोस्ट के बारे में बताएंगे कि SSC CGL की सबसे, हाँ
गस्टेड ऑफिसर जो होते हैं ना, क्या क्या होते हैं सब बताएंगे, ASO, NMEA, एक्साइज इंस्पेक्टर है, इनकम टैक्स, इन पे सब में आपको कंपेयर करके बताएंगे क्या क्या, हाँ रिलैक्सेशन क्या होता है, एज लिमिट कितनी होती है, सैलरी कितनी मिलती है ना, और भी कई सारे पावर हो जाते हैं, ठीक है ना। WAO के बारे में बताएंगे, हालांकि अब तो वो भी चलो बताएंगे जब आएगा। तो मैंने क्या कहा, SSC, CGL और UPSC को टारगेट करके पूरी रीजनिंग आपको पढ़ाई जा रही है भाई। क्या रीजनिंग, SSC, CGL, हाँ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, CSET जो आपके साथ है, CGL और UPSC को टारगेट करके आपको पढ़ाया जा रहा है रीजनिंग, ऐसा ही आपका एडवांस में। तो ऑल ओवर इंडिया में भाई कहीं भी आपका 46 चैप्टर है, आपके कितने टोटल 46 चैप्टर पूरा कंप्लीट करवाएगा। तो आप क्या करना है, बस क्लासेस को सीक्वेंस से आप देखते जाइए, इसके बाद जब एक बार आपके रीजनिंग कंप्लीट करवा दें भाई हम, ठीक है, उसके बाद आप खुद ही इतने इतने मतलब स्ट्रांग हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे कि आप जब क्वेश्चन लगाएंगे ना तो क्वेश्चन आपसे डरने लगेगा भाई, सही बता रहे हैं। और ये बात एकदम बिल्कुल सत्य है, एक बार सिलेबस कंप्लीट होने दो, सिद्धत से आप पढ़िए, इसके बाद आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन लगाइए ऑल ओवर इंडिया का, जहाँ कहीं भी आपकी रीजनिंग आती हो, एडवांस मैथ आती हो, आपसे सारे बनेंगे। बाकी इसी शब्दों से विराम लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप पढ़ते रहिएगा, हम आपके साथ में और आप भी मेरे साथ में रहिए, हम दो भाई जब मिलेंगे तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे काम करना है। चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।